भारतीय मजदूर जन कल्याण समिति द्वारा मजदूरों को ई रिक्शा चालकों का सम्मान किया जाएगा। इस सम्मान समारोह में जो श्रमिक हैं उनके मेडल पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। इस मुहिम को राजधानी लखनऊ में ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में चलाया जाएगा, जिससे जो श्रमिक हैं उनका भव्य सम्मान किया जा सके। हमारा कार्यक्रम 30 तारीख दिन बृहस्पतिवार 2023 को श्रमिकों का सम्मान समारोह है। इनको मेडल पहना के सम्मान होगा, ई रिक्शा चालक का और स्कूल यूनिफॉर्म के कारीगरों का, और आगे भी ये कार्यक्रम हमारे जारी रहेंगे। जैसे जैसे हमारा ईश्वर साथ देते रहेंगे वैसे वैसे हम सम्मान करते रहेंगे। ये पहल जो हमने शुरू की है ये हमेशा चलती रहेगी, ईश्वर चाहेगा। छतरपुर के राजनगर कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन सलमान खान की हत्या के बाद राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता ने राजनगर जाकर मृतक के परिजनों से मुलाकात की और उनके परिवार को ढांढस बधाया। साथ ही पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह कांग्रेस नेताओं के साथ खजुराहो थाने के बाहर धरने पर बैठे। दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि पुलिस ने मामला दर्ज तो कर लिया लेकिन आरोपी बीजेपी नेताओं की गिरफ्तारी अभी तक नहीं की और ना ही उनके मकानों पर बुलडोजर चलाया गया है। उनका आरोप है कि पुलिस ने FIR में भी गलती की है। वहीं दूसरी तरफ मृतक के परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि गिरफ्तारी नहीं होगी तो मृतक का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। बात यह है कि रात को, परसों रात को पैसे बांटने निकली थी पूरी पार्टी बीजेपी की, जो अवैध धंधे कर कर के इन लोगों ने करोड़ों रुपए कमाए हैं। वो समझते हैं कि हम मतदाता भाइयों और बहनों को पैसा दे के उसको खरीद लेंगे, और एहतियात के रूप में कांग्रेस के उम्मीदवार नाती राजा ने, स्वाभाविक है जब पता लगा कि ऐसा बांट रहे जाके उनको देखा, कोई बात नहीं थी, सड़क पर जानवर बैठे हुए थे तो साइड में लगा ली, निकलो। लेकिन वो निकल के आए, जिसके नामजद रिपोर्ट की गई है, विकी बघेल अवस्थी, स्वयं उम्मीदवार प्रत्याशी अरविंद पटेरिया, सब लोगों ने मां बहन की गाली देना चालू किया। और उसके बाद जब उन्होंने कहा कि आप गाड़ी निकालिए यहाँ से, तो वो न निकाल के उन्होंने उन पर चढ़ा दी। बड़ी इनको सलमान ने इनको धक्का देके गाड़ी में रखा और खुद बेचारा